जाओ और हमारे नौजवान लड़का बघेल समाज को, हमारे पटेल साहब को, गोपाल सिंह पटेल है जो जिनकी जिंदगी पूरी भारतीय जनता पार्टी में निकल गई और हम जैसे नेतन के मोड़ी मोड़ा मरण लगे तो आम जनता को हम लोग कैसे बचा पाएंगे। इस वजह से हम पूरी रात और अभी तक हम सोच रहे हैं कि जिनने जो हमारे साथ कांड किया, जिनने हत्या करी हमारे मोड़ा की, सिर्फ उनके मकान तोड़े जाए, जहाँ से जो छोटे छोटे पनप रहे ना वो समाप्त हो जाए। अबे तो जेल में चले जाएंगे, कल छूटे आएंगे फिर भी नहीं एक मान ले, अबे भी धमकियां दे रहे हैं, हर मिनट पर धमकियां दे रहे हैं कि हट जाओ ना तो हम मारेंगे, एक आध को और मार के जाएंगे और हम बगले में है, यही रुके हैं। तो बिने हम जो चुनौती दे रहे कि हम बैठे आ जाओ मार जाओ, कितने बगल मार रहे, चार तो मार दें और कितने मारने, तो मर भी बैठे। और अभी एसटीएफ साहब भी आए थे, एडिशनल एसपी भी आए थे, बात क्या हुई है उनसे? हथकुचि जो कर जांच कर रहे हैं, कौन के अवैध है, कौन के अवैध नंजा, और अब ऐसे अब सबके तो सबके क्यों तोड़े जाएंगे, उनके तोड़ो जो हम मर्डर कर रहे, जो अत्याचारी है, जिन पर 10-10, 20-20 केस है, उनके तोड़ो ना, जिला बदल है वो, तो जिला बदल भी है तो उनके तोड़ो, आम आदमी के कागज तोड़ो, अगर आम आदमी क्या, हम भी अगर गलत काम करें तो हम भी तोड़ो, ये नहीं कह रहे हम। वीडियो डाल रहा है, 5-5 करोड़ वीडियो डाल रहा है, तो क्या हम सब हमारे युवा मरने के लिए हैं? मेन बाजार में काफी देर से आप धरने पे बैठी हैं, इस तरह से कब तक बैठी रहेंगी, आगे क्या कुछ? मैं बताऊं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमें, हम कोई धरने पे नहीं बैठे, हम तो अपनी डेड बॉडी के, अपने बच्चे के साथ बैठे हैं और घर पे बैठे, हम किसी धरने पे नहीं बैठे, कोई रोड जाम नहीं करे, कोई चक्का जाम नहीं करे, सिर्फ हम बैठे हैं कि न्याय मिल जाए हमें, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो बैठे हैं।